एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तिल की बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस चटनी को आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, या इसमें उबले हुए आलू मिक्स कर लें, या मूली को पतला पतला काट के वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो दो तीन तरह से इस चटनी को आप खा सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा। तिल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल को रोस्ट करना है। तो एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी है। तिल को आप लो टू मीडियम या मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अगर तेज आंच में आप इसे रोस्ट करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे, इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, कड़वा बनाने लगता है। तो इसे हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तिल की चटनी बनाने के लिए ये एक कटोरी ब्राउन तिल लिए हैं। आप इसकी जगह सफेद या काले वाले तिल भी यूज कर सकते हैं। तो एक कटोरी है ये, इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है, पहले एक बार देख लिया है। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तिल जो है ये थोड़े फूले फूले से हो जाएंगे और हल्के हल्के से चटकने लगेंगे, तो इसे हमें धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। तिल को आप इस तरह से चलाते रहें, नहीं तो ये अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएंगे, इसलिए आपने इसे इस तरह से चलाते रहना है, जिससे कि सारे तिल अच्छी तरह से भुने, कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से तिल भुन गए, कहीं से कच्चे रह गए। तो इसलिए आपने इसे इस तरह से चलाते हुए भूनना है। तिल को हमने हल्का रोस्ट कर लिया है, इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगी है और ये फूले फूले से भी हो गए हैं, थोड़े फूले फूले से हो गए हैं। तो इतना ही इसे हमें रोस्ट करना है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तिल को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, गरम गरम नहीं पीसना है, नहीं तो तिल में से जो इसका ऑयल है वो रिलीज हो जाता है। इसलिए इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, और गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सी में भी दिक्कत होने का खतरा रहता है, खुल सकता है उसका ढक्कन, इसलिए हम इसे पहले पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तिल पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, अब इसे मिक्सी जार में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां, ये थोड़ी मोटी गिरी है इसलिए 5 से 6 ली हैं, आप 7-8 भी ले सकते हैं अगर बारीक कलियां हैं। तो लहसुन खाते हैं तो इसको जरूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट चटनी का आता है, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। तो ये लहसुन की कलियां इसमें हम डाल देंगे। 5 हरी मिर्च ली है, मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा खाना आप पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। तो 5 हरी मिर्च ली है, ये भी इसमें काट के इस तरह से डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको रफली चॉप कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 2 नींबू का रस लिया है, आप जैसा खट्टा पसंद करते हो उस हिसाब से नींबू कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें आप नींबू की जगह आमचूर पाउडर या आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन इस चटनी का जो असली टेस्ट है वो नींबू के साथ ही आता है। तो अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू ही डालें, 2 नींबू का रस है ये डाल देंगे। और साथ ही बहुत थोड़ा सा, 1 या 2 चम्मच के करीब पहले पानी हम इसमें डाल लेंगे, जिससे इसे पीसते समय हमें समस्या ना हो, तो बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं, जैसी हमें आवश्यकता लगेगी वैसा हम बीच बीच में पानी इसमें डाल लेंगे। चटनी को पीस लिया है, इसमें जैसी मुझे आवश्यकता लगी वैसा मैंने इसमें पानी डाल लिया है। तो पहले आप थोड़ा ही पानी डालें, फिर इसको पीसें और उसके बाद देख लें, जैसी आवश्यकता लगे वैसा पानी डाल लें। तो चटनी हमारी बनकर तैयार है, इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। चटनी को मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर लें, लेकिन मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी पराठे या दाल चावल के साथ, या आप इसको आलू के साथ बना सकते हैं। आलू को सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने आलू उबालना है और उसे छीलकर इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्स कर लें, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। या आप इसको मूली के साथ भी बना सकते हैं। तो सिंपल ये मूली हमने ली, धो ली, छील ली, उसके बाद इसे इस तरह के लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इसे काट लेना है और इसे हम चटनी में मिक्स कर लेंगे। बस आलू और मूली अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सारी में ना मिक्स करें, जितना आपने खाना हो साथ के साथ काटें और साथ के साथ इसे मिक्स कर लें। तो ये मूली डाल देती हूँ इसमें और इसे हम चटनी में मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मूली या आलू मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी चटनी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है ये चटनी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।